आबे हयात। यीशु बिन सिराख, उसका छठा बाब। ना छोटी और ना बड़ी बात में जरर रसा हो, दोस्त की बजाय दुश्मन ना बन, वरना बदनामी और जिल्लत तेरा हिस्सा होगी। दो जुबान वाले मुफसिद का यही हिस्सा है। गुरूर की गिरफ्त में ना पड़, ऐसा ना हो कि वो आग की मानिंद तेरी ताकत को भस्म कर दे, वो तेरे पत्तों को जाया और तेरे फलों को तल्फ कर देगा और तुझे सूखी लकड़ी की मानिंद कर छोड़ेगा। क्योंकि शरीर नफ्स अपने मालिक को हलाक करता है और उसे उसके दुश्मनों का ताना बनाता है। मीठा मुंह दोस्तों की तादाद बढ़ाता है और लतीफ जुबान गमखारों को ज्यादा करती है। चाहिए कि तेरे साथ सुलह रखने वाले बहुत हों, मगर तेरे भेद का जानने वाला हजार में से कोई एक। अगर तू किसी को दोस्त बनाए तो उसे आजमा कर बना और जल्दी से उसका एतबार ना कर, क्योंकि कोई अपने मतलब के लिए दोस्त होता है पर तेरी तंगी के दिन कायम ना रहेगा। कोई और ऐसा दोस्त है जो दुश्मन बन जाता है और तेरे बाहमी झगड़े की शर्म को जाहिर करता है। कोई और दोस्त तेरे दस्तरखान में शरीक है पर तेरी मुसीबत के रोज वो उस्तवार ना रहेगा। वो तेरी इकबाल मंदी में तेरी ही मानिंद होगा पर तेरी मुसीबत में तुझे तर्क कर देगा। अपने दुश्मनों से दूर रह और अपने दोस्तों से खौफ कर। सच्चा दोस्त मजबूत पनाहगा है, जिसने उसे पाया दर हकीकत उसने खजाना पाया। सच्चे दोस्त की कोई चीज बराबरी नहीं करती और उसकी खूबी का कोई अंदाजा नहीं। सच्चा दोस्त जिंदगी की दवा है और जो खुदावंद से डरते हैं वो उसे हासिल कर लेंगे। जो खुदावंद से डरता है वो सच्ची दोस्ती हासिल करेगा, क्योंकि उसका दोस्त उसी की मानिंद होगा। हिकमत की तलाश। बेटा, अपनी जवानी के शुरू ही से तादीब हासिल कर तो हिकमत तेरे बुढ़ापे तक तेरे साथ रहेगी। हल चलाने वाले और बोने वाले की मानिंद उसके पास आ और उसके अच्छे फलों की इंतजारी कर, क्योंकि उसकी जरात में तू थोड़ी मेहनत करेगा और उसके फलों में से जल्द खाएगा। वो जाहिल के नजदीक कैसी मकरूह है, बेअकल उसके साथ ना रहेंगे, क्योंकि वो उनके लिए आजमाइश के भारी पत्थर की मानिंद है और वो उसे फेंक देने में देर ना करेंगे। क्योंकि तादीब अपने नाम की तरह ही है और बतेरों के लिए आसान नहीं, मगर जो उसे पहचान लेते हैं उनके साथ वो खुदा के मुशाहिदा तक कायम रहेगी। बेटा, सुन और मेरी सलाह मान और मेरी मशवरत को तर्क ना कर। अपने पांव उसकी जंजीर में और अपनी गर्दन उसके तौक में डाल दे। अपना कंधा झुका और उसे उठा ले और उसके बंधनों से गमगीन ना हो। अपनी सारी जान से तू उसकी तरफ आ और अपनी सारी ताकत से उसकी राहों की हिफाजत कर। कोशिश करके उसकी तलाश कर तो तू उसे हासिल कर लेगा और पाकर उसे जाने ना दे। इस तरह अंजामकार तू उसमें राहत पाएगा और वो तेरे लिए खुशी में बदल जाएगी। तब तेरे लिए उसकी जंजीरें कवि पनाहगा और उसका तौक शौकत का लिबास होगा, क्योंकि उसके जेवर सोने और उसकी जंजीरें मोतियों की बनफशी लड़ियां हैं। बस तू उसे शौकत की पोशाक की तरह पहनेगा और खुशी के ताज की मानिंद अपने सर पर रखेगा। बेटा, अगर तू चाहे तो तादीब पाएगा और अगर तू दिल लगाए तो अकल हासिल करेगा। अगर तू सुनने की ख्वाहिश करे तो तू तलकीन हासिल करेगा और अगर तू कान झुकाए तो तू दानिशमंद बन जाएगा।
बुजुर्गों की जमात में खड़ा हो और दानिशमंद के साथ चिपटा रहे और खुदा के तमाम मसाइल सुनने का ख्वाहिशमंद हो और हिकमत की कोई तमसील तेरी निगाह से रह ना जाए। और अगर तू कोई अकलमंद आदमी देखे तो सवेरे उसके पास जा और तेरे पांव उसके दरवाजे की सीढ़ी को घिसा दे। खुदावंद के फरमानों पर सोचता रह और हर वक्त उसके हुक्मों पर गौर कर, तो वो तेरे दिल को मजबूत करेगा और जिस हिकमत की तू आरजू रखता है वो तुझे दी जाएगी।